वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा। आज मैं आपके साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाया हूं। वो सारे मरीज़ जो कि परेशान होते हैं, हमें दिक्कत है, हमारी हाथ की, पैर की, टांग की ताकत ख़त्म हो गई है, तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। साथ ही साथ जो भी डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, कायरोप्रैक्टर्स हैं, वो भी फॉलो कर सकते हैं कि किस तरह से क्या चीज़ चेक की जाती है, मसल की स्ट्रेंथ कैसे नापी जाती है। उसको मैनुअल मसल टेस्टिंग बोलते हैं। एक बड़ा ही सब्जेक्ट होता है जिसको 2-3 साल बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तब वो सीख पाते हैं उसको प्रैक्टिस करना, किस तरह से एग्जामिनर प्रैक्टिस करता है उन सारी चीज़ों की, किस तरह से एग्जामिन करना चाहिए, वो सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें आप अपने आप घर पे भी कर सकते हैं, तो एक अंदाज़ा, फेयर अंदाज़ा लगेगा। लेकिन किस तरह, कितना रेजिस्टेंस डालना चाहिए हाथ पे, पैर पे, जब एग्ज़ामिन करते हैं, वो एग्ज़ामिनर की स्किल्स पे ही डिपेंड करता है। चलिए आइए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको पहले दिखा देते हैं कि हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी के हाथ में कितनी ताकत है, कितना वो नॉर्मल ग्रेड है या नॉर्मल ग्रेड नहीं है। कोई बोलता है मेरी तो बहुत ताकत है, लेकिन जब हम एग्ज़ामिन करते हैं तो पता चलता है कि उसकी ग्रेड से 3 है 2 है 4 है, जो भी है। बट वो एक्सरसाइज जिम में करने जाता है तो वो पूरा वेट उठा के 20-20 किलो, 25-50 किलो उठाता है। तो ये उस मसल्स की डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी है कि उसमें इंजरी है या नहीं है, अगर चोट लगी है तो कितनी है और उसको किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि जिसमें आप, अगर हाथ उठाने के लिए बोला गया तो आप अपने हाथ में डंबल या वेट लेके आराम से पूरा उठा सकते हैं। और आप इसमें ये भी देखते हैं कि आपका शोल्डर नहीं उठ रहा, आप झुक नहीं रहे या आप ऐसे नहीं उठा रहे, तो आप बिल्कुल नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में आराम से अपने हाथ को उठा सकते हैं। अगर मैं हाथ की मसल की बात करूं, उसी तरह से बाकी सारी मसल्स की बात कर सकते, अलग अलग होती है। साइड की एक्शन की बात करें, साइड फ्लेक्सर्स की, तो फिर ये एक्शन होगा। अगर हम दूसरे मसल्स की बात करेंगे तो इस तरह से होगा, उसी तरह हिप की बात करेंगे तो डिफरेंट एंगल में होगा। तो एक समझाने के लिए मैं आपको हाथों की रेंजेस की बात करूंगा, या बाइसेप्स की बात करूंगा, या शोल्डर रेंजेस की, या स्ट्रेंथ की बात करूंगा। तो जो हम 0 से लेके 5 तक गिनते हैं, बट इसमें सिर्फ 5 लेवल्स नहीं होते, इसमें लेवल्स बहुत सारे होते हैं, आप देखते रहेंगे। 5वां लेवल ही सबसे ऑप्टिमम या नॉर्मल होता है, जिसमें आप अपने हिसाब से वेट उठा सकते हैं। अगर आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, बाइसेप्स करते समय आप थोड़ा सा झुक रहे हैं, बेंड कर रहे हैं, या आपके एल्बोज बाहर जा रहे हैं, तो यानी कि वो वेट आपके जो उठाने चाहिए उससे ज़्यादा है, तो आप अपना वेट कम कर लीजिए। जब हम ज़्यादा वेट उठाने लग जाते हैं तो हम सर्कमडक्टरी मैकेनिज्म चालू कर देते हैं, या कॉम्प्रोमाइज़ करना चालू कर देते हैं, या एल्बोज बाहर कर लेते हैं। इसका मतलब ये वेट आपके लिए ज़्यादा है, तो आपकी जो मसल एक्शन है, बाइसेप्स पे ही चलना है तो बाइसेप्स पे नहीं चलेगा, या शोल्डर पे चलना है तो शोल्डर पे नहीं चलेगा। ये समझाने के लिए फर्स्ट लेवल था। अगर उससे मसल, आप उतना भी वेट अगर उठा नहीं पा रहे हैं बाइसेप्स करते समय, और आप नीचे जाते समय ट्राइसेप्स करते समय, तो आप 5 माइनस होंगे, यानी कि ऊपर की सबसे जो नॉर्मल रेंज है, लिमिट है, उससे 1 माइनस है। कि आपको अगर 2 किलो का या 4 किलो का या 3 किलो का डंबल दिया गया, आप नॉर्मल ऐसे एक्शन नहीं कर पा रहे, और उस वक्त भी आप अपने एल्बो या अपनी बॉडी को टर्न कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, या हेल्प ले रहे हैं, या आगे झुक रहे हैं उसको करते समय, इसका मतलब आप 5 माइनस है। अनसर्टेन मसल वीकनेस। स्ट्रॉन्ग प्रेशर क्या होगा कि आपने सपोजिटली केबल पे वेट उठाया हुआ है और आप फुल रेंज ऑफ मोशन कर पा रहे हैं, और वो वेट जिससे आप पूरी तरह से रेंज में कर पाए बिना किसी यानी कि किसी और शोल्डर को उठाए हुए, किसी और मसल को यूज़ किए हुए, इसी चीज़ को अगर हम पेशेंट के साथ करेंगे तो मैं आपको दिखाते जाऊँगा इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन के बाद में। कोई 4 प्लेट लगा के या 2 पाउंड के साथ में एक्सरसाइज कर पा रहा है तो वो 4+ है। अगर वो 1 प्लेट के साथ कर पा रहा है मॉडरेट प्रेशर के साथ, तो वो 4 है। थेराबैंड के साथ एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, वो भी लाइटर कलर जिसमें रेजिस्टेंस कम होता है, तो स्लाइट प्रेशर, देन यू आर ऑल्सो 4 माइनस होता है एबिलिटी टू मूव थ्रू आउट द फुल रेंज ऑफ मोशन एंड होल्ड अगेंस्ट अ स्लाइट प्रेशर। ये शायद मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किया है। अब जब 3 से नीचे यानी कि 3 से नीचे की जाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है या पेशेंट है या कोई एक्सरसाइज करने वाला है, यानी कि उसकी मसल डेफिनेटली किसी न किसी इंजरी से गुजरी है, या वो बेड रिडन रहा है, या कोई बीमारी रही है, तब हम बोलते हैं कि वो 3 पे है या 3 माइनस है।
तो इसका मतलब यह है कि वो खड़े होकर नॉर्मल हाथ चला सकता है। अगर आप उस पर हाथ पे प्रेशर डालेंगे तो नहीं उठा पाता है, या अगर उसके हाथ में डंबल देंगे तो वो नहीं उठा पाता, लेकिन अगर आप उसको खाली उठाने के लिए बोलेंगे हाथ को तो वो चला पाता है बिना किसी या स्लाइट डिस्कम्फर्ट के साथ। जैसे 3 माइनस होता है तो यही जो स्लाइटली आराम से चला पाता है या एक्सरसाइज कर पाता है बट बिना किसी वेट का, जैसे कि हम जनरली बहुत सारे एल्डरली केसेस में देखते हैं या शोल्डर फ्रोजन शोल्डर केसेस में देखते हैं कि वो इतना ही चला पाते हैं। तो 3 माइनस होता है एबिलिटी मूव थ्रू आउट द पार्शियल रेंज, यानी कि वो पूरा हाथ नहीं चला पाते या पूरा बाइसेप्स कर्ल नहीं कर पाते तो इतना कर पाते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, यानी कि सीधा खड़ा होकर। जब ग्रेविटी हम सीधे खड़े रहते तो ग्रेविटी काम कर रही होती है, वही चीज़ अगर मैं उल्टा लेट जाऊँगा तो ग्रेविटी असिस्टेड हो जाता है। अब 3 और 3 माइनस आप दोनों चीज़ों को समझ चुके हैं, फिर दोबारा रिपीट करता हूँ। एबिलिटी टू मूव थ्रू आउट द फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटी, एबिलिटी टू मूव थ्रू आउट द पार्शियल रेंज अगेंस्ट द ग्रेविटी। और जब 2 पे आते हैं तो डेफिनेटली ये एक बहुत सीवियर कंडीशन होती है, जिसका मतलब होता है कि एबिलिटी टू मूव थ्रू आउट द एनी रेंज ऑफ मोशन ओनली अगेंस्ट द ग्रेविटी एलिमिनेटेड, यानी इस केस में वो पेशेंट खड़ा होकर या बैठ के एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, उसको साइडलाइन पोजीशन चाहिए होगी जहाँ पे ग्रेविटी काम नहीं कर रही, या सीधा लेट के या ज़मीन पे लेट के कर पा रहा है। यानी कि हम देखते होंगे कई सारे केसेस में हम बाइसेप्स कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, तो देखिए बाइसेप कॉन्सेंट्रेशन में जो वेट हम उठाते हैं उसको इस पोजीशन से उठाते हैं, इस एंगल में करते हैं कि ग्रेविटी असिस्ट, लेकिन ये एंगल ग्रेविटी रजिस्टर्ड ही होता है। बट अगर कोई ऐसे बाइसेप्स नहीं कर पा रहा तो हम ये सेम मोशन अगर मैं साइड में लेट जाता हूँ तो भी मैं इस एंगल को ज़्यादा इफेक्टिवली कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे बाइसेप्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो मैं डंबल देके अगर वो चीज़ मैं डंबल ऐसे नहीं उठा पा रहा हूँ, तो अगर मैं लेट जाता हूँ इस तरह से करता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, तो ग्रेविटी असिस्टेड हो जाता है, यानी ग्रेविटी एलिमिनेटेड भी बोल सकते हैं, ग्रेविटी जिसमें काम नहीं कर रही 2 लेवल पे, 2nd लेवल पे। 1 पे अ फ्लिकर ऑफ मूवमेंट इज सीन और फेल्ट इन दी मसल। उसी तरह से जब किसी का ऑपरेशन होता है और वो कई दिन बेड रिडन रहता है तो इसमें कोई भी कॉन्ट्रेक्शन या कोई भी एक्शन या मसल का जॉइंट का नहीं होता। फ्लिकर ऑफ कॉन्ट्रेक्शन यानी कि वो हल्का सा इस तरह से फ्लिकर ही आपको महसूस होगा जब आप मसल पे किसी भी जॉइंट पे हाथ लगाएंगे। उसी तरह से अगर 0 होती है, 0 में वो फ्लिकर भी कॉन्ट्रेक्शन भी नहीं होता। तो 0 और 1 वालों को हम पैसिव एक्सरसाइजेस कराते हैं, इनफैक्ट 2nd को भी पैसिव, यानी कि पैसिव का मतलब कि कोई एग्जामिनर या कोई थेरेपिस्ट उसका हाथ पकड़ के एक्सरसाइज करा रहा है, ये सारी चीज़ें। 3 माइनस और 3 पे पेशेंट खुद कर सकता है, 4 माइनस और 4 पे भी पेशेंट खुद कर सकता है, 4 प्लस 5 माइनस 5 पे आप अगेंस्ट दी रेजिस्टेंस करते हैं, अगेंस्ट दी ग्रेविटी करते हैं। और 0 का मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें कोई भी रेंज ऑफ मोशन नहीं है, चलता नहीं है और कोई कॉन्ट्रेक्शन महसूस नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे आपके साथ एग्जामिनर बिठाऊँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम ये सारे रेंज ग्रेड्स को चेक करते हैं। तो अगर हम 5th ग्रेड की बात करें तो हम इसको देते हैं चेक करने के लिए 2.5 बाइसेप्स करो, हाँ पूरा करो अच्छे से, करो दूसरे हाथ से करो, करो एक आप हल्का सा कॉन्ट्रेक्शन यहाँ पे नरेंद्र, इनकी बाइसेप्स की तो रेंज 5+ है, 5 है ग्रेड है, बट जो ब्रेकियो डेडलिफ्ट है ये मसल हल्की सी वीक है, यानी कि 5- है। ये चीज़ हम क्लियर कर चुके हैं, आपने देखा कि 2.5 से डॉक्टर जोई ने हमें एक्सरसाइज करके बाइसेप्स की दिखाई है। अब हम करते हैं मॉडरेट वेट के साथ में, जिसमें आता है 2 kg। ज़्यादा कम्फर्टेबल है एक्सरसाइज करने के लिए या 2.5 ज़्यादा कंफर्टेबल है? तो देखिए ये है इसकी रेंज, तो ग्रेड तो इसकी 5 ही है, वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस इसके लिए ज़्यादा था। तो अब इसमें हम देख सकते हैं कि अगर मुझे 2.5 को एक ऑप्टिमाइज वेट मानना है तो मैं सर्टनली राइट साइड की जो स्ट्रेंथ है वो बोलूँगा 5-, जबकि लेफ्ट साइड जो इसकी नॉन डोमिनेंट साइड है उसने ज़्यादा कम्फर्टेबली किया था, तो ये 5 है बाइसेप्स में, राइट? आपको भी महसूस हुआ लेफ्ट से ज़्यादा अच्छे से कर रहे थे? ये हमने बाइसेप्स का किया। अब मैं आपको शोल्डर का बताता हूँ, शोल्डर के साथ भी इससे पहले मैं हम आते हैं
लाइटर वेट के साथ शोल्डर के साथ करते हैं। नहीं नहीं 2.5 सामने शोल्डर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मसल है, बड़ी मसल है। कंफर्टेबली किया, नीचे 2-3 बार करके छोड़ देंगे ताकि देखें। हाँ ठीक है, परफेक्टली फाइन। वापस दूसरे हाथ से। हाँ लेफ्ट की थोड़ी सी रेंज रिस्ट्रिक्टेड, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड है ना, फील हो रहा है टाइटनेस है या इसकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ, बट अदरवाइज मसल इज 5। अब दोस्तों चैलेंज हमारे पास ये आ गया है कि क्योंकि ये 5 हैं तो ये 5 माइनस कैसे दिखाऊं मैं आपको, या 4 कैसे दिखाऊं, 4 प्लस कैसे दिखाऊं, 3 कैसे दिखाऊं, 2 कैसे दिखाऊं। तो मैं यहाँ पे कुछ एक्टिंग करके बताना चाहूँगा कि 4 माइनस कैसे होगा। सपोजिटली डॉक्टर जूही को मैं वेट देता हूँ कम वाला, यानी 2 किलो वाला देता हूँ, और डॉक्टर जूही इसको थोड़ी डिफिकल्टी के साथ धीरे धीरे फुल रेंज ऑफ मोशन करके दिखाएंगे। डिफिकल्टी के साथ चाहेंगे तो इसको हम बोलेंगे डिफिकल्टी के साथ कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन जाओ, ये हो जाता है 4+ डिफिकल्टी के साथ। सेम चीज़ छोड़ देंगे। इसी को अगर मैं बोलूं कि ये पार्शियल रेंज के साथ या मॉडरेट वेट के साथ करती है, मॉडरेट वेट सपोजिटली ये है 1 किलो का, अब इसके साथ में ये ज़्यादा कंफर्टेबली कर सकती हैं तो हम इसको बोलेंगे 4-। ठीक है, और अगर यही चीज़ हमें अब ग्रेड 3 के लिए चेक करनी हो तो ये, क्योंकि इन्होंने 2.5 से भी किया था, अगर कोई वहीं पे 5 से ना कर पाए और धीरे धीरे वेट कम करते चले जाए और 1 किलो से कंफर्टेबली कर पाए तो हम उसको बोलेंगे 3, और जो इतना भी नहीं कर पाए हम उसे और हल्का यानी कि वेट हटा ही दें, और इससे भी यानी कि वो करते समय ऐसा काँप रहा हो और नहीं कर पा रहा हो फुल रेंज ऑफ मोशन तो हम उसको बोलेंगे 3, और 3- उसको बोलेंगे जो कि इस एक्सरसाइज को भी करते समय सिर्फ यहीं पे आके रुक जाता है या किसी तरह से बड़ी मुश्किल से यहाँ आता है, पार्शियल रेंज रहती है, इसको 3- बोलेंगे। अब आती है 2 रेंज। 2 रेंज होता है जिसमें फ्लिकर ऑफ कॉन्ट्रेक्शन होता है, जिसमें हम कोई वेट देना भी चाहें तो वो होल्ड नहीं कर पाएंगे। अगर मैंने आपको ये वेट दिया सपोजली जो ही अगर दिया तो आप सिर्फ फ्लिकर होगा यानी कि कॉन्ट्रेक्शन रेंज नहीं होगा, अगर ये पकड़ा हुआ है तो सिर्फ हल्का सा है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो, फ्लिकर करने की कोशिश करो, दिखाओ फ्लिकर कैसे करेंगे। हाँ तो हल्का सा यहाँ पे बस फ्लिकर ही होगा, कोई वेट नहीं उठा पाएंगे। और जब हम 0 की बात करेंगे तो 0 में समझ लीजिए कि बिल्कुल यानी कोई कॉन्ट्रेक्शन भी नहीं होता। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको किसी और मसल ग्रुप का, किसी और की ट्रेनिंग के बारे में जानना चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे इसी मैनुअल मसल टेस्टिंग पे आपसे और ज़्यादा बात करते रहें, और थोड़ा सा एफर्ट करके आप लोग हमसे सवाल पूछिए, हम शेयर कीजिए लोगों के साथ में इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा वीडियोस इस पर किसी पे बनी है, मेरे माइंड में रैंडमली आया कि हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए क्योंकि मेरे स्टाफ ने बोला कि सर आज आपको वीडियो बनानी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बताइएगा क्यों मेरे स्टाफ ने बोला हुआ कि आपको आज वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू।